हाथों की लकीरों पे मत जा ए इंसान, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसका कहने का मतलब यही है कि अपना नसीब, अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है। मृत्यु लोग जो है वो कर्म प्रधान है। ज्योतिष आपको लंगड़ा करने के लिए नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठाने के लिए नहीं है। ज्योतिष आपको एक अवेयर करने के लिए कि भाई क्या रास्ता हो सकता है, पर कर्म तो आपको करना ही होगा, आप ही को करना होगा। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की रक्षा करता है, खुद के लिए कर्म करता है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो जो मीन राशि के लिए होने वाला है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और गणेशा एस्ट्रो हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीन वालों के लिए कैसा रहेगा उनका करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक जीवन, शादी विवाह, प्रेम की लाइफ, स्वास्थ्य और जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ रेमेडीज की बात करेंगे, कर्म के आधार पर हम क्या कर सकते हैं। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, और फिर डिटेल में वर्णन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखता है आपका चार्ट जो है, गोचर का चार्ट है, याद रखिए। गोचर का मतलब फिलहाल में जो ग्रह चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपकी जन्मपत्री भी है, वो आपका भाग्य है जो आप लेकर आए, प्रारब्ध लेकर आए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस दिन से आज तक कुछ बनाया नहीं है। आप प्रारब्ध के अकॉर्डिंग एक अपनी प्रकृति लेकर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर्म करते हो। पर मनुष्य में ये क्षमता है कि वो सोच समझ के अपनी प्रकृति को बदल भी सकता है, अर्थात अपने कर्मा को भी बदल सकता है। तो बढ़ जाते हैं चार्ट के ऊपर। पहला भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाल रंग के स्टार्स हैं, पीले रंग के स्टार्स हैं और नीले रंग के जो स्टार बने हुए हैं, तारे जो बने हुए हैं, तो जो पीला रंग है ये गुरु की दृष्टि को दिखा रहा है, गुरु की दृष्टि को दिखा रहा है। जो लाल कलर का स्टार है वो मंगल की दृष्टि है, और जो नीला कलर का जो स्टार है वो शनि महाराज की दृष्टि है। ओम गुरुवे नमः। इसके बाद बढ़ते हैं, चलिए। तो आप समझ गए होंगे, पहले वाले भाव में लाल कलर का स्टार है, मतलब पहले भाव पर मंगल की दृष्टि है। 12 नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो 12वीं है, मीन सबसे आखिरी राशि, 12वीं राशि, स्पिरिचुअल राशि है। और ये द्वितीय भाव में राहु गुरु है और यहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तृतीय चतुर्थ खाली, पंचम भाव में सूर्य बुध हैं, एक साथ बैठे हुए। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे, कर्क संक्रांति होगी इस महीने, 16 तारीख को कर्क संक्रांति है, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। सूर्य जिस भी राशि में जाते हैं उसकी हम उसको संक्रांति बोलते हैं, कर्क संक्रांति। छठे भाव में मंगल और शुक्र हैं और साथ में यहाँ पर आपके गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव काफी महत्वपूर्ण हो गया, दो ग्रह की दृष्टियां और दो ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर, मंगल और शुक्र। और यहाँ पर जो शुक्र आएंगे वो 7 तारीख को आएंगे, 7 से पहले वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव पर केतु और गुरु की दृष्टि। नवम भाव में आप देख सकते हो लाल रंग मतलब मंगल की दृष्टि और ब्लू कलर का तारा मतलब शनि की दृष्टि। यहाँ पर सिर्फ दो दृष्टियां पड़ रही है, मंगल और शनि की, भाग्य के भाव पर। दसम भाव जो करियर का भाव है वहां पर आप गुरु की दृष्टि देख सकते हैं येलो कलर की। और 11वां भाव खाली, 12वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं, साथ में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ये आगे आपकी दृष्टियां और ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य को लेते हैं, क्योंकि भैया स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, उस तरह से आप कह सकते हैं। मतलब आपका स्वास्थ्य है तब आप कुछ ज्ञान अर्जित करोगे, तब आप कुछ शक्ति अर्जित करोगे, तभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ प्रोग्रेस करोगे। तो स्वास्थ्य के मामले में गुरु जो है अपने से अगले भाव में गए हैं, राहु के साथ बैठे हुए। द्वितीय भाव स्वास्थ्य के लिए ठीक ठीक माना गया, नॉट द बेस्ट। अच्छा कौन सा है, पंचम भाव बहुत अच्छा है, नवम बहुत अच्छा है, केंद्र में भी बहुत अच्छा है अगर राशि का स्वामी जाता है तो। द्वितीय भाव में जाता है धन के लिए तो अच्छा है, पर स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब क्या ध्यान रखें भैया स्वास्थ्य के मामले में, एक तो यही पॉजिटिव होना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, और जो भी मैं खाना खा रहा हूँ वो मेरे को पोषण दे रहा है। जैसे कि हम करते हैं आयुर्वेद में भी करते हैं, सुबह सुबह प्राणायाम करना, पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में रखना, सुबह उठकर अपने हाथों का दर्शन करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर्मूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, हम अच्छी अच्छी आदतें हैं सुबह पानी पीना। क्योंकि स्वास्थ्य भी तभी रहेगा जब आप कर्म करोगे। ईश्वर ने दिया वो तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रहने वाला है। ईश्वर ने दिया है तब भी अगर आप मिसयूज करोगे उसका, सूर्य के उठने के बाद उठोगे, अपनी कोई प्लानिंग नहीं रखोगे, जंक फूड खाओगे या फिर तामसिक भोजन ज़्यादा खाओगे, तो स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। इसके साथ साथ भोजन
आपको स्वस्थ भोजन लेना, अच्छा भोजन लेना है। भोजन मतलब सात्विक भोजन खाना तो है ही है, इसके साथ साथ अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सूंघना है, मतलब हवा की क्वालिटी भी अच्छी हो, पानी की क्वालिटी भी अच्छी हो और मस्तिष्क में आपके शुभ विचार रहें तो आपका स्वास्थ्य अवश्य अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बाकी सिर्फ ज्योतिष का एस्पेक्ट देखें तो ये महीना थोड़ा सा राहु के साथ गुरु बैठे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है पहली बात। दूसरा, अगर हम बात आ जाती है स्वास्थ्य के बाद, दूसरी जो चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे रिश्ते। हम लोग समझते हैं कि करियर इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण है और रिश्ते महत्वपूर्ण है और करियर बाद में आता है वास्तव में। तो अगर प्रेम की बात करें, सबसे पहले प्रेम ही ले लेते हैं। कहते हैं कि प्रेम जगत का सार उमितवा, प्रेम जगत का सार, क्योंकि प्रेम हर चीज़ का आधार है। जिसके मन में प्रेम नहीं है उसके मन में फिर ना भक्ति है ना ज्ञान है, और जब भक्ति भी नहीं ज्ञान भी नहीं प्रेम नहीं तो उसका क्या हो सकता है। तो प्रेम के मामले में पंचम भाव होता है, इसके स्वामी चंद्रमा है, पर इसमें जो ग्रह आ रहे हैं सूर्य और बुध हैं, तो ये आप कह सकते हो अच्छा है। सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है तो प्रेम के लिए बढ़िया है, अच्छा आप कहोगे कि आपस में प्यार बढ़ने वाला है, आपस में आकर्षण भी रहने वाला है। थोड़ा सा 17 तारीख के बाद थोड़ा सा ईगो रह सकता है, क्योंकि सूर्य थोड़ा गर्म ग्रह है, उत्साह तो काफ़ी रहेगा पर ईगो और क्या कह सकते हैं एक दूसरे में कौन बड़ा है कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ये थोड़ी बातें रह सकती हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि भैया विद्यार्थी है, सन्यासी है और जो भक्त है उनका कोई ईगो नहीं होता। जब आप गुरु के पास जाते हो तो आप अगर घमंड लेकर जाओगे, ईगो लेकर जाओगे, अपने ही ज्ञान आपके अंदर भरा रहेगा तो आप गुरु क्या कह रहे हैं वो समझ ही नहीं पाओगे। अब समझ ही नहीं पाओगे तो फिर उसका रिजल्ट भी नहीं समझोगे, आप उसका एसेंस ही नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु है, सन्यासी है, भक्त है, प्रेमी है, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। तो ईगो का हल्का सा ख्याल रखना है, ऐसा आप करोगे तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। 17 तारीख के बाद थोड़ा बहुत संघर्ष आपकी लाइफ में, प्रेम जीवन में रह सकता है। कारण क्या है कि सूर्य यहाँ छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, पंचम में आ रहा है, तो प्रेम के मामले में थोड़ा सा आपको समझना होगा अपने साथी को, उसके लिए कोई बात होगी तो उसका साथ देना होगा थोड़ा सा, आप थोड़े से गुस्से में रह सकते हो यहाँ पर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जब प्यार की बात हुई, पंचम भाव की बात हुई, तो ये पंचम भाव और चीज़ों का भी है, स्टॉक मार्केट का भी है। तो स्टॉक मार्केट के मामले में भी ऐसा ही है कि भाई 17 से स्टॉक मार्केट के मामले में 17 के बाद आपको हल्का सा ध्यान रखना है, नॉट द बेस्ट आप कह सकते हो इस मामले में। और एजुकेशन का भी यही भाव है, पढ़ाई लिखाई का भी यही भाव है, ज्ञान का भी यही भाव है। अब ज्ञान के भाव में सूर्य आ रहे हैं तो सूर्य ज्ञान के भाव के लिए अच्छे हैं, मतलब आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, आप चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, प्राप्त करने की कोशिश करोगे और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर रहने वाली है। पर हाँ, टफनेस दिखा रहा है पढ़ाई में भी, एफर्ट हार्डवर्क आपको थोड़ा लगाना ही पड़ेगा तब जाके अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। वैसे भी बिना रिजल्ट के, बिना एफर्ट के आज तक किसी को रिजल्ट मिला है क्या? नहीं मिला है, कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला तो आपको कैसे मिल सकता है। इसीलिए प्रयास के लिए महीना करो, प्रयास करोगे तो महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इसके बाद अगर हम शादी विवाह पर आ जाएं, पारिवारिक जीवन पर आ जाएं, तो बुध जो है पंचम में आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। मतलब जो लोगों की शादी हो चुकी है या जो लोग बहुत समय से रिलेशन्स में हैं उनके लिए बढ़िया है, प्रेम बढ़ने वाला है। एक तेरे बगैर ही ना गुजरेगी जिंदगी मेरी, बता मैं क्या करूं सारे जहां की खुशियां लेकर। ये कहने का मतलब है कि जब आप किसी से वास्तव में प्यार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई वही आपकी ज़िंदगी बन गया है, वही प्रेम है, वही विवाह भी है। वो कोई जहाँ पर आप सिर्फ देना चाहते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ केयर करना चाहते हैं, और ये वास्तव में तब हो पाता है जब आप खुद को पहचान पाते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त हो पाते, समझ पाते हैं कि जिस तरह से मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे इमोशन हैं, भावनाएं हैं, ऐसे ही उसकी भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं और उसके भी राय है, ऐसे में उसकी राय का सम्मान करना भी आपका कर्तव्य बन जाता है। जैसे आप अपने प्रति सिंपैथी रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उसके प्रति भी सिंपैथी और प्रेम रखिए, अपने कमियों के प्रति भी, जो आप कहते हैं ना कि चलो भाई माफ़ कर देना चाहिए दूसरे को मेरे को क्योंकि मैंने गलती हो गई, गुस्से में कह दिया, ऐसे आप भी दूसरे को फिर माफ़ करने लगते हो, समझने लगते हो, देखने लगते हो, तब आपका असली प्रेम जागृत होता है। और अगर वैसे भी महीना अच्छा है और इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे, जीवन में उतारोगे, तो फिर आपका जो शादी विवाह की जो लाइफ के लिए महीना बहुत ही खास है, बेहतर है। अब आते हैं दशम भाव पर, करियर का भाव, जो हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है।
और करियर के भाव का स्वामी धन के भाव में बैठा है, राहु के साथ दो चीजें दिखा रहा है, विदेश से कोई संबंध बन सकता है, एक्स्ट्रा धन का खर्च हो सकता है, यहाँ पर फॉरेन विदेश जाना पड़ सकता है, करियर के मामले में ग्रोथ का ऑफर आपको मिल सकता है, अचानक से कोई ग्रोथ का ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है, उस चीज के लिए बढ़िया है। ओवरऑल आप यही कहोगे कि भाई दशम का स्वामी अपने से पंचम गया, अपने से त्रिकोण में गया, तो अच्छा है, करियर के लिए बढ़िया दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है। और क्या कर सकते हैं देखिए करियर को बढ़ाने के लिए, चूंकि गुरु हैं तो ज्ञान का उपयोग कीजिए, दूरदृष्टि से काम लीजिए, साथ में आपकी लाइफ में ना आपके आइडल होने चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे। अगर आप शाम को सो रहे हो, रात को सो रहे हो और आपको ना नींद आ रही है बड़े आराम से बिना कल के प्लानिंग के बिना, इसका मतलब जिंदगी जी नहीं जा रही, काटी जा रही है लक्ष्य के दृष्टिकोण से। मतलब अगर आपका कोई लक्ष्य है, आप कुछ बहुत करने वाले हो, तो आपको नींद नहीं आएगी जल्दी से, आप सोचोगे कल क्या करना है, कल की प्लानिंग है, और सुबह भी ना बिना अलार्म के आंखें खुल जाएंगी अपने आप ही, खुद ही उत्सुकता रहेगी भाई, और तब आपका करियर जरूर आगे बढ़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। एक दिन रोकेगा, दो दिन रोकेगा, जब इतनी किसी के अंदर चाह होती है ना, वो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और जब इच्छा होती है तो ईश्वर को पाया जा सकता है, तो करियर तो क्या चीज़ है। तो ढूंढिए अपने करियर में वो चीज़, ढूंढिए जिसकी आपके अंदर चाह है, जो आप करना चाहते हो, तो आपका करियर बिल्कुल ग्रो करेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको अगर ऐसा है तो। हाँ, ऐसा पाने के लिए कभी कभी वो बोलते हैं ना कि थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, मंजिल मिल ही जाएगी हमको थोड़ा थक हार कर, नादा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए अगर आप रास्ते की तलाश में हो या रास्ते में हो, भले ही चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, पर अगर आप चले जा रहे हो, आपने हार नहीं मानी है, क्योंकि जीतना है तो जीतने का जज्बा हमको बनाए रखना होगा, तो आज नहीं तो कल जीत मिल के रहेगी। अब करियर का हो गया, अब बिजनेस की बात कर लें भाई, बिजनेस के लिए भी बढ़िया महीना है, अच्छा महीना है, बेहतर है, 17 तारीख तक भी अच्छा रहा है, अच्छा है। 17 के बाद थोड़ा बिजनेस में पार्टनर्स के साथ कुछ मतभेद तो रह सकता है, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी के साथ, तो सप्तम भाव ही हमारे बिजनेस का भाव है, ये आपके ट्रेवल का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, आपके ओपन एनिमी का भी है जो सप्तम भाव है, पर ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं मार्केट प्लेस का भी यही भाव है आपका, जो सप्तम भाव है सूर्य के साथ में आ रहा है सब छठे भाव के। 17 के बाद थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे, पर चैलेंज ही तो हमको सिखाते हैं, चैलेंजेस ही तो हमको बनाते हैं, जहाँ पे कोई चैलेंज ही नहीं है, कुछ लेसन ही लर्न नहीं किए जा रहे, वो तो मुर्दा वाली जिंदगी होगी। लाइव जिंदगी में तो कुछ चैलेंज चाहिए होते हैं, तभी आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप चैलेंज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ग्रो करना छोड़ दिया है। अब आ गया, ये हो गया व्यापार की बात, व्यापार को बढ़ाने के लिए बुद्धि से काम लें, क्रिएटिविटी से काम लें, अपने से छोटों को सम्मान दें, अपनों के साथ वाले और छोटों को भी सम्मान दें, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपकी संतान का या आपके जो फॉलोअर हैं या आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने कुछ क्रिएट किया है, जो कमाया है, वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है, उसका सपोर्ट आपके साथ रहेगा, इस बात को ये महीना दिखा रहा है। अब बिजनेस के बाद हम धन पर आ जाएं। देखिए धन के मामले में ये है कि खर्चा बहुत दिखा रहा है, कहीं ना कहीं खर्चा तो आ सकता है धन के मामले में, और कहीं फॉरेन जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, किसी को दिया हुआ पैसा आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जरूर बनती है, और जॉब लगने का चांसेस यहाँ पे बनता है काफी। क्यों? चार ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र तो साक्षात बैठे हैं, गुरु और शनि की दृष्टि आ गई, तो एक तरह से चार ग्रहों का प्रभाव छठे भाव पर आता है, और छठा भाव रोग ग्रहण शत्रु के साथ साथ सर्विस जॉब का भी है, तो लोग जॉब वगैरह जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, मेहनत हार्डवर्क वहां पर होने वाली है, क्योंकि ये भाव एफर्ट का भी है, ये भाव प्रारब्ध कर्मा का भी है। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपके हाथ में नहीं होंगे, कुछ ऐसे इवेंट होंगे, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है ऐसा नहीं है, और जो ऐसा कहते हैं वो बस वही है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, रियलिटी नहीं है उसमें। इसके बाद शादी की बात कर ली हमने, ससुराल की बात करें तो ससुराल में थोड़ा ज्ञान से काम लेना होगा, बुद्धिमानी से आप काम लोगे तो सास ससुर के साथ भी आपका अच्छा रहने वाला है, और खर्चे के लिए हाँ ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टियों पर अगर आप ध्यान दो, देखिए यहाँ पर मंगल की दृष्टि, यहाँ पर मंगल की, लाल वाला मंगल है ना, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाग्य को बना के रखना है, भाग्य को बना के रखना है तो क्या करना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, डिसिप्लिन से काम लेना होगा, लगातार जो काम कर रहे हो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आज का काम कल करें सो परसों, बहुरे कहू कर लीजिए उम्र पड़ी है वर्षों, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको प्रैक्टिकलिटी, हार्डवर्क, मेहनत के साथ साथ टाइम टेबल, लॉयल्टी, इच्छा शक्ति से काम लेना होगा, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य का जो स्वामी मंगल है वो अब छठे भाव में ही सही पर मित्र की राशि में है और शुक्र के साथ है जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इसी तरह से मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर खर्चा कराती है,
पर ये आपको भाग्यशाली खर्चा कराएगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी की दृष्टि 12वें भाव पर लग रही है। मतलब कहीं हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, इसमें कुछ खर्चा वगैरह हो, या फिर आप परिवार के साथ घूमने वगैरह कहीं जाओ जहाँ पे खर्चा हो, पर वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे जो आपके काम आने वाला है। मतलब अच्छी चीज़ों पर खर्चे का यहाँ पर योग बनता है। ये भाव सैया सुख का भी है, पति पत्नी के बीच जो पारिवारिक सुख होता है, शारीरिक सुख होता है, उसका भी है। वहाँ पर शनि का वक्री होना ये दिखाता है कि हाँ, किसी तरह से शारीरिक सुख में कुछ कमी रह सकती है। पति पत्नियाँ तो बिजी हो या किसी की स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो, आपके पिता की जो माता है उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कत की समस्या यहाँ पर रह सकती है, तो उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य की बात करें तो माता के लिए अच्छा है, पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर रह सकते हैं। परिवार में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा, क्योंकि राहु बैठे गए हैं परिवार के भाव में। गुरु ज्ञान से अगर आप काम लोगे तो बातें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। इस महीने गुरु पूर्णिमा भी है, और कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इतना महत्व दिया है गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा। ऐसा नहीं कि गुरु ईश्वर से चाहे बड़े हैं, इसलिए कि गुरु के बिना ईश्वर तक जाने का रास्ता मिलना मुश्किल है। तो जो हमारा धर्म है वो भी एक रास्ते की तरह है, जो हमको ईश्वर तक ले जाता है। कोई भी धर्म हो वो एक रास्ते की तरह है। मंजिल जो ईश्वर है वो रास्ते से अलग है, उसको आप बांध ही नहीं सकते, ना शब्दों में ना अंकों में, वो अलग ही है। बस अलग भी कहना कुछ पूरा नहीं है, क्योंकि उसको कहा नहीं जा सकता, निशब्द उसको कहा ही गया। आप उसकी परिभाषा देखोगे ईश्वर की, जो वही आता है जो बातों से नहीं कहा जा सकता, जिसका वर्णन नहीं कहा जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता। उसका कोई ऐसा नाम भी नहीं है कि ये ही नाम है, उसका कोई शब्द नहीं है इस तरह का जो पूर्णतः उसको एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए गुरु को इतना इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए धर्म का भी इतना इंपॉर्टेंट है, पर उसका इंपॉर्टेंट उस ईश्वर से ज्यादा नहीं है जो हमारा लक्ष्य है। खैर, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। सारे जीवन के क्षेत्र हमने देख लिए। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो महीने में एफर्ट हार्डवर्क की आवश्यकता है, तब आप उस पाथ पे बढ़ पाओगे। केतु यहाँ पर आपको, अगर साधना वगैरह में है तो उसके लिए तो अच्छा दिखा रहा है। वाणी का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, राहु आए हुए हैं, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, परिवार में परिवार की एकता को बना के रखना है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पर। देखिए, 3 तारीख की गुरु पूर्णिमा है और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो गुरु की महत्वता को समझते हैं, ज्ञान की महत्वता को समझते हैं, गुरु मतलब ज्ञान, हर वो व्यक्ति जिससे आप ज्ञान ले रहे हो, प्रकृति से भी ज्ञान लिया जा सकता है, जैसे कबीरदास जी या और भी बहुत सारे हमारे संत हुए, उन्होंने उसका वर्णन किया है कि भाई चीज़ों को देख के उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन समझा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, ऐसे ज्ञान का शक्ति का क्या ही फायदा जिससे किसी को लाभ ही ना हो, समाज को लाभ ही ना हो। तो कोई भी चीज़ से ज्ञान लिया जा सकता है, और जिससे ज्ञान लिया जाए वही गुरु है, और जो गुरु है उसके सामने ईगो कैसा है, उसके लिए तो श्रद्धा होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। समर्पण होगा तभी ज्ञान आएगा। ये बातें इसलिए क्योंकि इस महीने आपका गुरु पूर्णिमा है। अब 13 तारीख की आपकी कमी का एकादशी है, 29 तारीख की पद्मिनी एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान हरि विष्णु वैसे तो ईश्वर हैं, ईश्वर हैं मतलब कि निराकार हैं, परम ब्रह्म हैं, पर वैसे जब हम त्रिगुण में उनकी बात करते हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट देते हैं समझने के लिए, तो माता लक्ष्मी की उनकी पत्नी को हम के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि वो सस्टेनर हैं। सस्टेन करने के लिए आपको लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, लक्ष्मी क्रिएटिविटी से आती है, इसलिए विष्णु जी को हम क्रिएटिविटी से भी जोड़ते हैं। इसके बाद 14 और 30 तारीख का दोष पर था, 15 तारीख की शिवरात्रि है, ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव वैसे तो मतलब खुद साक्षात ईश्वर हैं और निराकार हैं और हर जगह उनकी शक्ति है, उनको जो है शब्दों में कह पाना संभव नहीं है, पर वैसे त्रिगुण में हम उसको तम गुण से भी जोड़ते हैं और मोक्ष को देने वाले हैं, षष्टि का अंत करने वाले हैं। षष्टि का अंत ऐसा नहीं षष्टि जब खत्म होगी तो शिव जी उसको पूरा अंत कर देंगे, ऐसा नहीं। हमारे अंदर भी जो दोष हैं जो लगातार नष्ट हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर भी नई नई सेल्स बन रही हैं, तो ब्रह्मा, जब वो चल रही हैं तो विष्णु, जब उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो शिवा, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चल रहा है, फिर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक सृष्टि पूरी खत्म होती है दूसरी बनती है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान शिव की जो पत्नी है वो माँ गौरी हैं, साक्षात शक्ति हैं। इसके साथ साथ
छह तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख की श्रावण अमावस्या है, श्रावण के महीना की अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति अमावस्या है। संक्रांति भी अच्छे त्यौहार है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए, मंत्र साधि सिद्धि के लिए और दान पुण्य करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, इन कामों के लिए। बाकी सब दिन भी अच्छे हैं, पर कम से कम इन दिनों तो हम कर ही सकते हैं इसके बहाने, तो उस तरह से भी त्यौहार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर कहते हैं ना कि कोई फूल कितना भी ऊपर लगे, कोई फूल कितना भी ऊपर लगे, खिलेगा तभी या खिला रहेगा तभी जब वो जमी से जुड़ा हो। तो ये जो शास्त्र हैं हमारे, जो उपनिषद हैं हमारे, जो त्यौहार हैं, ये हमारी जड़ें हैं, इनसे जुड़े रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खैर, इसी सोच के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।